हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है डे 5 और आज हम जा रहे हैं रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, डिगलीपुर के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस। तो जाएंगे, स्विम वगैरह करेंगे, स्नॉकलिंग का भी प्लान है, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो बेसिकली आप जो ट्विन आइलैंड देखते हो, एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से जुड़ा हुआ, तो दैट इज दिस आइलैंड। और यहाँ पे आप आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और एक यूनिक से एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो लेट्स सी हाउ रॉस एंड स्मिथ आइलैंड इज। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये रोड बना रहे हैं, एक न्यू एयरपोर्ट आने का है यहाँ पे डिगलीपुर। काफ़ी ही ज़्यादा काम चल रहा है रोड पे एंड होपिंग कि नियर फ्यूचर रोड कंडीशंस गेट बेटर। कि हम थोड़ा पार्सल ले ले और पार्सल ले के निकल जाए यहाँ से रॉस एंड स्मिथ के लिए। ये भी एक बजट सी प्रॉपर्टी है, होटल लैंडफॉल। हम रुके प्रिस्टीन रिसोर्ट पे, वॉकिंग डिस्टेंस है ये आपका रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए। तो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है अगर किसी को बजट ट्रैवल करना है और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका जो प्रिस्टीन बीच रिसोर्ट है यहाँ से थोड़ा दूर है। तो आप अगर होटल लैंडफॉल रुकते हो तो डायरेक्टली ही सीधे ही आप वॉक करके रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए बोट के पॉइंट तक जा सकते हो। ये आ गए हम रॉस एंड स्मिथ आइलैंड को जाने के लिए। यहाँ से हम बोट लेंगे। थोड़ा वेटिंग चल रहा है, वेटिंग इसलिए चल रहा है कि एंट्री और परमिट्स के बारे में देख रहे हो लोग। वहाँ से टिकट लिया था हमने उस जगह से, वहाँ से टिकट लेकर यहाँ पे आए। तो अब जा रहे हैं रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए। एरियल वे में के जट्टी से हमने बोट ले ली, बोट हायर कर ली और फ्लोटिंग डॉक के थ्रू हम इस बोट पे चढ़ गए। अब ये बोट हमें लेकर जाएगा रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। बहुत इजीली और बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ परमिट डिटेल्स दिखाना होता है और उसके बाद आप बोट पे चढ़ जाते हैं और ये बोट आपको फिर लेकर जाती है रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए। तो आप देखोगे कि टोपी बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन, चश्मा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि धूप होती है और आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो आपके ट्रिप पे। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग्स यू शुड कैरी। किसी का आपने फोटो देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि हाउ द आइलैंड लुक्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। बहुत ही प्यारा सुंदर सा आइलैंड है एंड इट्स वेरी मच पॉपुलर इन अंडमान आइलैंड्स। ऐसा पानी आपको देखने में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही कम जगह, बहुत ही वैसे जगह है जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी कम है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस। अगर आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड करके डिगलीपुर आते हो तो रॉस एंड स्मिथ आइलैंड ज़रूर अपने आइटनरी में रखिए। बेसिकली ये रॉस है और ये स्मिथ है। तो अगर आप बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रॉस आइलैंड पोर्ट ब्लेयर में कैसे है, तो ये डिफरेंट आइलैंड है। आप यहाँ का पानी देखिए, जस्ट टर्कोइज ग्रीन कलर वाटर, जस्ट अमेजिंग। तो आप यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से उतर के फिर वॉक करते हुए जाएंगे उस साइड, वहाँ पे चेंजिंग रूम्स वगैरह है, सब अवेलेबल है। बोट गाइज आ गया, लुक एट द वाटर, लुक एट द वाटर। दिस इज रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। दो आइलैंड है एडजॉइंट बाय साइड बार। वो जो आइलैंड है वो है रॉस, ये जो आइलैंड जिसमें मैं खड़ा हूँ ये है स्मिथ आइलैंड। आप यहाँ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक वॉक कर सकते हो और ड्यूरिंग हाई टाइड ये आइलैंड ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाता है पानी से। अमेजिंग साइट, अ यूनिक आइलैंड टू विजिट इन अंडमान। और मेक श्योर करिएगा यहाँ पे आप ज़रूर आइए, यहाँ पे स्विम करिए, टाइम स्पेंड करिए, पिकनिक के तौर पे आइए एंड एंजॉय करिए। पे हट्स बने हुए, चेंजिंग रूम्स बने हुए जहाँ पे आकर आप चेंजिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि डिगलीपुर की ट्रिप कैसे कर सकते हैं आप। डिगलीपुर के बेस्ट पैकेजेस और बेस्ट आइटनरीज आप हमारे वेबसाइट में भी देख सकते हो, experienceandamans.com पे। बट मैं एक ब्रीफ आइटनरी आपको बता देता हूँ और दो तीन ऑप्शन आपको बता देता हूँ ताकि इट इज़ ईजी फॉर यू। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट करते हो वाया बाराटांग, और बाराटांग देखने के बाद, लाइमस्टोन देखने के बाद आप आ जाओ डिगलीपुर। डिगलीपुर में फिर नेक्स्ट डे होगा आपका रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। ये दोनों आइलैंड आप विजिट करोगे। द
तो इसके बाद आप चले जाओगे होटल, होटल पे चेक इन होगा, थर्ड डे आप रिटर्न करोगे वाया रंगत, रंगत में कुछ प्लेसेस देखकर आप रिटर्न करके पोर्टबेर आ सकते हो। बट दिस कुड बी हेक्टिक फॉर सम पीपल, तो मैं बोलूँगा कि आपको चाहिए अगर आपको लंबा जर्नी, क्योंकि रोड्स बीच बीच में पैचेस थोड़े ठीक नहीं है और आप सुबह जब निकलते हो पोर्टब्लेयर से तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा डिगलीपुर आने में, अराउंड 7 or 8 PM हो सकते हैं। तो अब जो इसके बाद वाली जो आइटनरी है वो मैं बोलूँगा कि थोड़ा लीजर है, जहाँ पे कि आप पोर्टब्लेयर से स्टार्ट करते हो, बाराटांग में लाइमस्टोन मड वॉल्केनो देखते हो और फिर आकर रुक जाते हो ओवरनाइट में रंगत। और रंगत के भी एक दो प्लेसेस अगर चाहिए तो नेक्स्ट डे में आप क्या कर सकते हो, मॉरिस डेरा एंड धनी नाला मैंग्रोव वॉक पे देख के आप पहुंच जाओगे डिगलीपुर इन द इवनिंग। थर्ड डे फिर आप रॉस एंड स्मिथ देखोगे, रॉस एंड स्मिथ डिगलीपुर पे देखोगे और फिर फोर्थ डे आप रिटर्न आओगे डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर। तो ये 4 डे का ट्रिप होगा जिसमें आप मिडिल और नॉर्थ अंडमान कवर करोगे। अगर आपको और लेजर चाहिए तो और एक दिन एक्सटेंड कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर कम्फर्ट एंड योर बजट। तो बेसिकली दीज आर दी टू आइटनरी। फर्स्ट आइटनरी है जिसमें कि पहले दिन ही आप पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर स्ट्रेट आ जाते हो वाया बाराटांग, रुकते नहीं हो मिडिल अंडमान रंगत में, और सेकेंड डे रॉस एंड स्मिथ करते हो और थर्ड डे रिटर्न आ जाते हो। आपको मिनिमम 3 to 4 days चाहिए डिगलीपुर को विजिट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सो दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। एंड रॉस एंड स्मिथ आइलैंड इन डिगलीपुर इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस, मेक श्योर करिएगा कि यू कवर दिस प्लेस। चेक दिस आउट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, मोस्ट रिकमेंडेड। चेक दिस आउट, कैसा लगा मम्मी रॉस एंड स्मिथ? बहुत अच्छा लगा। एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है कि कितना सुंदर सा बीच है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान। हर एक आइलैंड का अपना ब्यूटी है, मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम बनाए एंड कम टू दिस पार्ट ऑफ द अंडमान, द नॉर्थ अंडमान आइलैंड। आज का प्लान ये है कि हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा लोकल मार्केट विजिट करेंगे और फिर हेड बैक करेंगे रंगत के लिए। रंगत जाकर हम अपना ओवरनाइट स्टे करेंगे और कल हम मूव करेंगे फ्रॉम रंगत बैक टू पोर्ट ब्लेयर। बिफोर दैट मैं आपको बताता हूँ कि हम रुके कहाँ पे है और यहाँ के डिगलीपुर के टॉप प्लेसेस क्या है जो आप देख सकते हो। डिगलीपुर में हम रुके हैं प्रिस्टीन बीच रिसोर्ट पे और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, हमारा मोस्ट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है डिगलीपुर पे। प्रॉपर्टी काफ़ी ही वेल मेंटेन्ड है, इसमें इनका इन हाउस रेस्टोरेंट है, बार है और सर्विसेज काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टीज जो आपको डिगलीपुर में मिलेगी। दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड, यहाँ पे है स्टैंडर्ड रूम्स, यहाँ पे अभी हम डिलक्स रूम में जा रहे हैं और ये साइड पे विलाज है। इस प्रॉपर्टी में 3 categories ऑफ रूम है, स्टैंडर्ड AC रूम, डिलक्स एंड विला। विला जिसमें हम रुके हुए हैं, डिलक्स में इंडिविजुअल कॉटेजेस मिलते हैं और स्टैंडर्ड AC रूम इनका बेस कैटेगरी ऑफ रूम है। सारे रूम में एयर कंडीशनड है, हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटीज़ है, टॉयलेटरीज है और इनके सर्विसेज क्लिनलीनेस काफ़ी ही अच्छी है जो आप कंसिडर कर सकते हो आपके ट्रिप के लिए। आपके बजट के हिसाब से आप स्टैंडर्ड AC, डिलक्स और विला को सिलेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टे। यहाँ से होते हुए हम कालीपुर बीच निकलेंगे, कालीपुर बीच देखते हैं। यहाँ पे दिस इज़ नोन फॉर टर्टल नेस्टिंग ऑल्सो, रात के टाइम अगर किसी को गाइडेड ट्रिप करना है तो यहाँ की प्रॉपर्टी को आप पूछ सकते हो और आप एक गाइडेड ट्रिप कर सकते हो टर्टल नेस्टिंग के लिए। प्रॉपर्टी से लगा हुआ है कालीपुर बीच जो कि आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो
स्विमिंग उतना रिकमेंडेड नहीं है इस बीच पे, बट देन टर्टल नेस्टिंग के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। यहाँ पे आप गाइड लेकर टर्टल नेस्टिंग भी देख सकते हो। हम काफ़ी लकी थे और हमने टर्टल को एग देते हुए देखा, और बहुत ही केयरफुल रहना होता है क्योंकि ये उनका नेचुरल इकोसिस्टम है और इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डिगलीपुर में देखने को काफ़ी सारे प्लेसेस है, बट द टॉप प्लेस टू विजिट इन डिगलीपुर इज द रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। इस प्लेस को नहीं मिस करना। उसके बाद आता है सैडल पीक। अब ये भी काफ़ी अच्छा लोकेशन है, किसी को ट्रैक करना है या फिर बड़े बड़े ट्रीज देखने हैं तो दिस इज़ द प्लेस टू बी। ये है साउथ अंडमान का हाईएस्ट पीक। हमने इस बार नहीं, बट हम इससे पहले आए थे तब हमने ट्रैक किया था टू द पीक ऑफ सैडल पीक। द ट्रैक वॉज टफ फॉर अस, बट देन इट गिव्स यू द चैलेंज एंड टेक्स यू दैट एक्स्ट्रा माइल जो आपको कभी कभी चाहिए होता है। इसके टॉप पे एक पॉइंट आता है जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है जो कि आप देख सकते हो। एट द पीक ऑफ इट ऐसा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, बट ट्रैकिंग यहाँ पे टफ है। सैडल पीक के ट्रैक दो पार्ट्स पे होती है, जहाँ पे पहला आर आपका फ्लैट सरफेस पे आपका ट्रैक होता है, बीच में कुछ स्ट्रीम्स आती है जो कि आप देख सकते हो, रिफ्रेश हो सकते हो। उसके बाद अपहिल होना स्टार्ट होता है एंड इट कीप्स गोइंग एंड गोइंग। सो आप ये डिसाइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करने के लिए ऑलमोस्ट आपका फुल डे चला जाएगा, और अगर आप डिगलीपुर में ये ट्रैक को करना चाहते हो तो देन आई विल रिकमेंड यू दैट यू स्पेंड अ नाइट इन डिगलीपुर बिफोर मूविंग बैक टू पोर्ट ब्लेयर। थर्ड प्लेस टू विजिट इज़ द लामिया बे बीच, जो कि सैडल पीक नेशनल पार्क के साथ ही कनेक्टेड है। तो आप जब एंटर करते हो तो ये बीच आपके लेफ्ट साइड में आता है, जहाँ पे आप जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हो और फिर रिटर्न आ सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कंबाइन अ शॉर्ट विजिट टू बोथ सैडल पीक एंड लामिया बे बीच इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू ट्रैक टू द टॉप। इसके बाद आता है रामनगर बीच, जो कि टर्टल नेस्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ की बीच बेस्ट है डिगलीपुर में। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, फुल डे को एंजॉय कर सकते हो, पिकनिक मना सकते हो और फिर रिटर्न हो सकते हो। इसके पास में ही है एल्फ्रेड केव्स, बट एल्फ्रेड केव्स जाने के लिए आपको एक गाइड चाहिए होगा, क्योंकि ये काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर विजिट। तो विद अ गाइड यू कैन विजिट एल्फ्रेड केव्स। फाइनली आता है श्यामनगर, जहाँ पे मड वेलकैनो है इन डिगलीपुर। ये भी एक यूनिक सा प्लेस है जहाँ पे आप आकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो डिगलीपुर काफ़ी ही वास्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस है कवर करने के लिए। कंप्लीट प्लेसेस देखने के लिए आपको सिर्फ डिगलीपुर में ही 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो इस ट्रिप पे हमने मेनली रॉस एंड स्मिथ आइलैंड कवर किया, कालीपुर बीच देखा, अपने कुछ फ्रेंड्स से मिले, एंड देन वी विल रिटर्न बैक फ्रॉम डिगलीपुर टू रंगत। ट्रिप को हम थोड़ा ब्रेक करके ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एल्डर्स है, बच्चे हैं और रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कुछ कुछ पैचेस में। तो ऑल सेट, आज हम वापस जा रहे हैं, अपना लास्ट लेग पूरा कर रहे हैं। We will be headed back from Rangat to Port Blair via Baratang by the same route that we have come. और हमारा ट्रिप यहीं पे एंड होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि कैसे हमारा ट्रिप हुआ और आप कैसे ट्रिप को प्लान कर सकते हो। तो पहले दिन बेसिकली हमने डिगलीपुर के लिए रंगत से स्टार्ट किया, रंगत से डिगलीपुर गए, डिगलीपुर में नाइट स्टे किया। उसके बाद नेक्स्ट डे रॉस एंड स्मिथ आइलैंड देखा हमने। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड हमने सेकेंड हाफ पे कवर किया, क्योंकि इवनिंग पे हमें एक अच्छा और प्यारा सा सनसेट मिल गया। अराउंड 1 o'clock की हमने बोट ली थी रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए, और फिर वो बोट लेकर हम चले गए रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। इवनिंग में हमें मिल गया प्यारा सा सनसेट, जो कि आप एरियल बे जेटी पे देख सकते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद थर्ड डे हमने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया एट डिगलीपुर, और फिर इवनिंग को हम वापस आ गए डिगलीपुर से रंगत, और फोर्थ डे हम रंगत से वापस पोर्ट ब्लेयर आ रहे हैं। तो अगर आपको प्लान ऐसा है तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्टली आप डिगलीपुर चले जाए, या पोर्ट ब्लेयर से रंगत जाए, रंगत में फिर रुक के नेक्स्ट डे रंगत से डिगलीपुर जाए, और फिर एक दिन रॉस एंड स्मिथ आइलैंड देखे, और फाइनल डे में आप कवर कर रहे फाइनल डे जो आपका लास्ट डे होगा उस दिन आप रिटर्न आ जाए
फ्रॉम डिगलीपुर टू पोर्ट बेर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो।